हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के अनुसार उसका जो शिक्षा का अर्थ था, उद्देश्य थे, उसके पाठ्यक्रम क्या थे, विधियाँ क्या क्या थी और किस किस क्षेत्रों में योगदान दिया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, उमेश कुमार सैनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्लेटो की, जो जिसका जो काल था वो था 427 से लेकर 347 BC तक, ठीक है। सुकरात के बाद शिक्षा दार्शनिक में प्लेटो का नाम बड़े ही आदर और गौरव के साथ लिया जाता है। इनका जन्म धनी यानी कि रिच फैमिली में हुआ था। पूर्ण वैभव संपन्न घराने में एथेंस के अंतिम राजा काडूस के घर 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की माँ जो थी वो भी एक शोलन वंश की थी। वह भी धनी और वैभव से परिपूर्ण घराना था। अर्थात प्लेटो राज घराने का शाही बेटा था। राजनीतिक घराने के कारण प्लेटो को सब कुछ अपने पिता ऑरिस्टीन से प्राप्त तो हो गया, किंतु प्लेटो धन संपन्नता और राजसी ठाट बाट के कारण लोकहित सोच में परिचित नहीं हो सका। युवावस्था आते आते मानसिक उथल पुथल ने प्लेटो को झकझोर दिया। वह युवावस्था में ही सुकरात के संपर्क में आ चुका था। उसने सुकरात के दर्शन तथा गुरुता में अपनी आस्था को विलीन कर दिया। प्लेटो महात्मा सुकरात का लगभग 10 वर्ष तक शिष्य रहा। जब सुकरात को जहर देकर उसके प्राण हनन कर लिए गए, तब प्लेटो जो था वो 28 वर्ष का था। अपने परम प्रिय और आदरणीय गुरु सुकरात की जघन्य हत्या से प्लेटो की आत्मा रो उठी। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो प्लेटो के गुरु थे वो नितांत गरीब थे, ठीक है, जबकि प्लेटो राजशाही घराने का पुत्र था। यह विद्रोह स्वरूप एथेंस यानी कि एथेंस छोड़ विश्वभर में हेतु मेगारा, मिस्र, इटली और भारत आदि यात्रा पर दर्शन के प्रसारार्थ निकल पड़ा। अपने गुरु की यादें रहकर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्लेटो 10 वर्ष बाहर रहने के बाद एथेंस पुनः वापस आ गया और वहाँ उसने एकेडमी की स्थापना की। यह एकेडमी प्लेटो द्वारा लगभग 40 वर्षों तक शिक्षण और शिक्षा प्रसार में कार्यरत रही। प्लेटो की लगभग सभी रचनाएं सम्मान के रूप में लिखी गई हैं। इनकी 7 रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 6 इस प्रकार है: अपोलॉजी, क्रीटो, फीडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक और द लॉज। अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो पहला था व्यक्तिगत उद्देश्य। प्लेटो के विचार में शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का संतुलन विकास करना है। इसके लिए छात्र के सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम छात्र के व्यक्तित्व का संतुलन विकास करते हैं। प्लेटो पूछते हैं कि क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती है? अतः मन तथा शारीरिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य यानी कि सोशल एम्स क्या थे? प्लेटो ने समाज तथा राज्य के प्रगति के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। उसने आदर्श नागरिकों के निर्माण को अपनी शिक्षा में स्थान दिया। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए यह लिखा है कि यदि आप पूछें कि सामान्य रूप से उत्तम शिक्षा क्या है, उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। उत्तम व्यक्ति भली भांति कार्य करते हैं और शत्रुओं को युद्ध में विजित करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या थे यानी कि कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने विभिन्न आयु तथा स्तर के छात्रों के लिए विद्यालयों में पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का उल्लेख किया। उनके पाठ्यक्रम के विषय निम्नलिखित थे। पहला था प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उसने शारीरिक प्रशिक्षण तथा संगीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके अनुसार अच्छे गुणों के विकास हेतु गीत सुनाए जाने चाहिए। दूसरा यह था प्लेटो ने व्यक्ति को मन से शारीरिक प्राणी माना है। प्लेटो ने कहा कि मेरा विचार है उत्तम शरीर अपनी शारीरिक सुंदरता के द्वारा आत्मा को उन्नत बनाता है, उत्तम आत्मा शरीर को भी सुंदर बनाती है। तीसरा था माध्यमिक कक्षाओं के लिए उसने दर्शन, ज्योतिष तथा गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनके साथ संगीत तथा शारीरिक प्रशिक्षण और खेल व्यायाम तथा घुड़सवारी के शिक्षण पर भी बल दिया। और चौथा यह था उच्च कक्षा हुए तो प्लेटो ने निम्न 6 विषयों को आवश्यक बताया। उद्यमी वर्ग के लिए औद्योगिक शिक्षा की व्याख्या की या व्यवस्था की। इस शिक्षा के अंतर्गत लकड़ी का कार्य, लोहे का कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा बुनाई का कार्य आदि आते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसने ये बताया था कि प्लेटो ने शिक्षण के कार्य तर्क
प्लेटो ने शिक्षण के लिए तर्क विधि का उपयोग बताया। उसने प्रश्नोत्तरी विधि का भी प्रयोग किया। इस विधि से व्याख्यान विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का प्रचलन हुआ। उसने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के लिए स्वाध्याय विधि को अपनाने की सिफारिश की। शिक्षा में उन्होंने खेल को अधिक महत्व दिया। खेल के माध्यम से ही छात्र का स्वभाव बनता है। शिक्षक को इन खेलों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षक तथा विद्यालय क्या थे? प्लेटो अकादमी जैसी संस्था सर्वत्र स्थापित करना चाहता था, क्योंकि आत्मा का विकास वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है। उसने शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय के आवश्यक साधन बताया। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि आदर्शवाद को प्रसारित करने की यह कार्य शिक्षक ही भलीभांति कर सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या, अंतिम में क्या, प्लेटो का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था वो क्या था? प्लेटो के शिक्षा में निम्नलिखित योगदान थे। उसने सभी के लिए शिक्षा को समान अवसर प्रदान किए। उसने शिक्षा के उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास बताया। प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया और उसको अनिवार्यता को स्वीकार किया। उसका दृष्टिकोण आशावादी था, अतः वह सत्यम शिवम सुंदरम पर विशेष बल देता था। अनुशासन स्थापना हेतु प्लेटो ने नैतिक गुणों का विकास को आवश्यक बताया। प्लेटो ने आयु तथा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया। प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा की उन्नति में विशेष योगदान दिया। प्लेटो ने प्रश्नोत्तरी विधि का शिक्षण में प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि और प्रयोगात्मक विधि तथा स्वाध्याय विधि का भी विचार किया। आधुनिक विचार को एवं राजनीतिज्ञों के आधुनिकतम धारणाएं ज्ञान की एकता, कानून का शासन, लिंग भेद की समानता आदि उसके द्वारा ही विकसित की जा चुकी थी। अगर बात आती है संक्षेप में, हम ये कह दें कि यह कह सकते हैं कि प्लेटो राजनीतिक शास्त्र और शिक्षा के आदर्शवाद के रूप में भी जाने जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।